बहुत से सवाल माओं के हवाले से हैं कि हमारी उम्रें 50 और 55 के दरमियान हैं, प्लीज़ हमको बताइए कि हम कुछ 4 या 5 ऐसे क्या काम करें जो अपनी बेटियों के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। कम अज़ कम 6 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने शुक्रिया अदा किया इस बात पे कि हमने आपके कहने पे, जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं और ख़ासतौर पर लड़की का रिश्ता देखने के लिए, अब हमने पिछले 1-1.5 साल से अपनी आदत को बदलते बदलते बदल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी घर में 2 और किसी घर में 3 रिश्ते हो गए। वो कहती हैं कि मेरे घर में 3 बेटियाँ हैं और मैं उनके साथ उनकी खिदमतगार माँ हूँ, दोस्त माँ नहीं हूँ। तो उनमें से 2 की शादी होने वाली है तो मुझको समझ नहीं आता कि उन्हें मैं क्या कहूँ। आपकी बातें सुन सुन के मुझे लगता है कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ हिंट्स होने चाहिए। तो जनाब, आज वैसे तो मैंने जब नोट करने बैठा तो 8-10 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो बतानी चाहिए माँ को, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 4 बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवाल माओं के हवाले से हैं कि हमारी उम्रें 50 और 55 के दरमियान हैं, प्लीज़ हमको बताइए कि हम कुछ 4 या 5 ऐसे क्या काम करें जो अपनी बेटियों के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी सेटल हो जाए और हमें गिला ना आए। इनमें से कम अज़ कम 6 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने शुक्रिया अदा किया इस बात पे कि हमने आपके कहने पे, जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं और ख़ासतौर पर लड़की का रिश्ता देखने के लिए, तो इससे पहले हमारा मामूल ये था कि हम बिल्कुल बगड़ बिल्ला जैसा मुंह बना के, मुंह फूला हुआ बना के, तो उनको देखती भी ऐसे थे कब्बा किस्म की निगाह, और जो सवाल भी करती थी वो वखी से करती थी। तो नतीजतन हर मेहमान हमसे नाराज़ होकर जाता था, पर अब हमने पिछले 1-1.5 साल से अपनी आदत को बदलते बदलते बदल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी घर में 2 और किसी घर में 3 रिश्ते हो गए। ये सिर्फ 3 रिश्ते नहीं हैं, वालिद के सर पे जो ढेरों मनोवज़न होता है वो कम हो जाता है, नीचे वाली बच्चियों का रास्ता खुल जाता है, बहन भाइयों के दरमियान ताल्लुकात, और ज़ाहिर है जो छोटे हैं उनके लिए तो खुशी खुशी होती है कि शादी होगी तो मज़े मज़े के खाने होंगे, मज़े मज़े के कपड़े होंगे। अब जो मसला इस वक्त आपने छेड़ा है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं खातून का नाम भी ले दूं, मिसेस परवेज़ उनका नाम है। वो कहती हैं कि मेरे घर में 3 बेटियां हैं और मैं उनके साथ उनकी खिदमतगार माँ हूँ, दोस्त माँ नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी में उनको डांटती हूँ, डबटती हूँ, उनकी पढ़ाई का फोकस है, पर अब जब उनमें से 2 की शादी होने वाली है तो मुझको समझ नहीं आता कि उन्हें मैं क्या कहूँ। आपकी बातें सुन सुन के मुझे लगता है कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ हिंट्स होने चाहिए। तो जनाब, आज वैसे तो मैंने जब नोट करने बैठा तो 8-10 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो बतानी चाहिए माँ को, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 4 बताऊँगा। ये 4 बातें अगर आपने याद रखी और बेटी को बिल्कुल सामने बिठा के, उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में ले कर, मुँह नीचे करके, शर्मिंदगी से ही उसकी आँख में आँख डाल के उसको बताना है कि मेरे बच्चे, इस घर में तूने बहुत मज़े कर लिए, इस घर में तुमसे सबसे ज़्यादा जो शिकायत हमको थी वो ये थी कि तुम गंदी रहती थी, तेरा कमरा गंदा, तेरी किताबें गंदी, तू चीज़ों को सेंती नहीं थी, सलीके से नहीं रखती थी, पर जब तुम वहाँ घर में जाओगे तो सबसे ज़्यादा शादी के अगले दिन तुम्हारा सलीका देखना और तराजू पे वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। सो कमरे में चीज़ें कैसे प्लेस करनी है, ये नहीं हो सकता कि 2-2 हफ्ते तुम्हारे अटैची और तुम्हारा सामान वहीं कॉरिडोर में पड़ा हो या पलंग के साथ पड़ा हो। शादी के अगले दिन वलीमे से पहले पहले तुम्हें अपनी चीज़ों को जगह जगह सेटल करना है हिफाजत के साथ। दूसरी बात जो माँ को उसको बतानी चाहिए कि बेटा, ये तुम जिस रिश्ते में जा रहे हो उससे पहले तुम कभी इस रिश्ते में नहीं गए थे, ये रिश्ता मोहब्बत का है, ये रिश्ता बिल्कुल नया है, अनजान अनोखा, एक अनजान आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हारे जिस्म का मालिक बन जाएगा, तुम्हारी रूह का मालिक बन जाएगा, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह ने और उसके रसूल ने इसको इबादत कहा
कि जब एक मर्द अपनी बीवी के जिस्म को हाथ लगाता है, उसके साथ अज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करता है। अच्छा, 99.99 माएँ ये बात बताने में नाकाम होती हैं, झीप जाती हैं, मुंह नीचे हो जाता है, तो आप उन्हें मेरे पास भिजवा दिया कीजिए। ये हमारा जो कोर्स है प्री मैरिज काउंसलिंग वाला, वो करवा दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे, बहुत सारे केसेस में जहाँ पहली रात बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है क्योंकि वो रेजिस्ट करती है, और उसके बाद उसके अज़्वाजी ताल्लुकात की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और फिर उनको जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं, टांके लगते हैं, तो सबके सामने मजाक का निशाना बनता है। वालिद के इंकसान भी, जितने अजीज़ व अकारब आए होते हैं, जब आप खुद, आपके मियाँ, आपका बेटा हॉस्पिटल पहुँचता है, तो आप सोचिए किसी से आप सीधे आँख में आँख मिला के सवाल नहीं कर सकते, और ये कभी भी वन साइडेड नहीं होता। मैं आम तौर पे चूँकि लड़कों को समझा देता हूँ कि उनका कसूर है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं होता। जब लड़की कोऑपरेट नहीं करती, जब वो डरी भेड़ बन के आगे से रेजिस्ट करती है, तो उसके नतीजे में ये इतना बड़ा ब्लंडर होता है कि आप कई हफ्तों के लिए तमाशा बन जाते हो। तीसरी चीज़, लड़की को ये सीखना है कि जो उसकी सलामियाँ हैं, जो उसके पैसे हैं, जो मियाँ उसको पैसे दिया करेगा, तो उसे खर्च कैसे करना है। पहले की तरह खर्चा बनाई, घर में बिल्कुल खुला था, आपने अब्बा से कहा सूट लेना, पूछा बेटा कितने, 2, 3, 4 ला के दे दिए, पर अब ये नहीं हो सकता। अब वहाँ सबसे पहले आपको ये सुनना पड़ेगा कि अभी तो शादी के बाद तुम सूट लेके आई हो, सर्दियों के भी हैं, गर्मियों के भी हैं, क्या ज़रूरत है, तो उस वक्त दिल बुरा नहीं करना। चौथी बात, जिसका आपकी खुशी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, वो है आपकी पर्सनल हाइजीन का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। घरों में माएँ जब ख्याल नहीं करती, तो बच्चियाँ अपनी वैक्स का ख्याल नहीं करते, पर आपके मियाँ इस बात को स्पेयर नहीं करते। इसको बहुत रेगुलर करना, इसे पर्सनल हाइजीन कहते हैं। आपके अंडर आर्म्स, आपका बिकनी लाइन, खुद आपकी लेग्स, इनफैक्ट इस वक्त दुनिया में जितने मर्द हैं, ये दूसरों को देखकर सीखते हैं, क्योंकि दुनिया में हेयर फ्री का कल्चर चल रहा है। थोड़े से लोगों के पास पैसे आते हैं तो हर जगह वो बाल साफ़ बिल्कुल कर देते हैं, पूरे जिस्म से कर देते हैं लड़कियां। और आप इसमें गुनाह सवाब में मत पड़िएगा, ये हर दुनिया का एक, हर अहद का अलग सा कल्चर होता है। उसके आज आप मूछें रख के और बड़े बड़े ये मर्दों जैसे भवें लेके जब जाओगे शादी के मंडप पे, और जहाँ भी आपके बाल नज़र आ रहे होंगे, तो सभी आपको औरतों में नहीं, किसी और कैटेगरी में शुमार करेंगे, और वहीं सबके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये रिश्ते मैंने टूटते विश्वास से देखे हैं, कैसी अनहाइजीनिक लड़की से मैं शादी नहीं की जा सकती। एक बात और, जो माएँ जिसका ख्याल रखें शादी से पहले, और ये शादी तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बच्ची को बताना है कि उसके डेज सोने से ज़्यादा कीमती हैं। उसके हार्मोन्स नॉर्मल सर्कल होगा तो डेज नॉर्मल होंगे, डेज नॉर्मल होंगे तो माँ बन जाएगी, डेज नॉर्मल ना हुए तो माँ नहीं बन सकेगी, तो फिर एक नया फसाद और नई मुसीबत शुरू हो जाएगी। इसी तौर पे इस बात को मेक श्योर करें, बच्चियाँ, चूँकि आप उन्हें क्रीमें कौन सी ला के देती थी उनके अंडर आर्म्स के लिए, बिकनी लाइन के लिए, अगर आपने उन्हें सस्ती क्रीमें ला के दी और ये जगह डार्क हो गए, तो इनको बेहतर करने का शादी से पहले उपाय कीजिए। जिन बच्चियों के लिप्स सूजे हुए होते हैं और उसका वो इलाज नहीं कराती, तो पहले माँ को पता चलना चाहिए। लिप्स कभी नहीं सूजते जब तक उनको या तो कोई टच करे, या किसी ने खुद से उनके साथ खेला हो, या किसी और ने उनके साथ खेला हो। इनफैक्ट ये जो सेंसिटिविटी है पूरे इंसानी जिस्म में, ये तब पैदा होती है जब कोई लड़की अज़्वाजी ताल्लुकात में अपने मियाँ के साथ इंडल्ज होती है, तो कुदरती तौर पे उसका पूरा जिस्म उसको सेलिब्रेट करने या वेलकम करने के लिए वो हिस्सा ख़ास तौर पे सूज जाता है या वेट हो जाता है। और अगर ये नहीं हो रहा और उसने फिंगरिंग कर करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है, क्योंकि इसके साथ ही ये होगा कि आपका जो बेली बटन से है गोश्त, वो कम से कम 1 से 2 इंच ढलक जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर डेज भी डिस्टर्ब होंगे, फिर आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, आपके जो मिजाज में तलखी आती है और चेंजेस आती हैं
वो भी आएंगी। सो इसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। बातें आपके लिए और बहुत सारी, लेकिन मैंने वादा किया था कि 4 बातें बताऊँगा, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में। अख्तरबाज़ को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।